धन्यवाद। कहाँ से मैम आप? मैं प्रतापगढ़ से। कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा था। कितने अटेम्प्ट किया आप? 82। 82 बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा। अच्छा, थोड़ा सा कोई आपको सेशन कोई टफ लगा? नहीं, टफ तो सारे क्वेश्चन ठीक ही थे। अब एग्जाम है तो थोड़ा बहुत तो टफ क्वेश्चन आएंगे, बट इंग्लिश के क्वेश्चन काफी अच्छे थे। अच्छा, मतलब कि किस किस टॉपिक से इंग्लिश में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स से ज्यादा क्वेश्चन थे, और पैराग्राम्पल के भी दो क्वेश्चन थे। ओके ओके, और बताइए क्या क्वेश्चन थे किस टॉपिक से? और उसमें जीएस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स ज्यादा थे। अब ब्लड रिलेशन से बात करें, इसमें क्या क्वेश्चन? रीजनिंग में दो क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन थे? कोडिंग डिकोडिंग के थे दो तीन क्वेश्चन थे। और कथन निष्कर्ष वाले उसके भी तीन क्वेश्चन थे लगभग। क्वेश्चन थे और कोई ऐसे काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चन आए थे? हाँ, फिगर से भी क्वेश्चन थे। अब डाइस से क्वेश्चन देखने को मिला? डाइस से नहीं, क्लॉक मिरर इमेज से था। मिरर इमेज से थे क्वेश्चन? मिरर इमेज से दो क्वेश्चन थे। और कोई सेशन आपको ऐसा लगा कि नहीं, मतलब कि नहीं बन रहा, कोई टाइम टेबल कोई सेशन लगा आपको? कोई सेशन आपको टाइम ले रहा मैथ में? हाँ, मैथ में तो टाइम थोड़ा लगा। मैथ में नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन देखने को मिला? नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ज्यादा था ट्रिग्नोमेट्री से। ज्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से कितने क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री? दो तीन से चार क्वेश्चन थे उसके। हाँ, और परसेंटेज से कितने क्वेश्चन देखने मिला? परसेंटेज नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन। एवरेज से कितने क्वेश्चन थे? एवरेज से दो से तीन क्वेश्चन उससे भी थे, और दो से तीन क्वेश्चन रेशियो से भी थे। और जियोमेट्री से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? तीन से चार क्वेश्चन थे। 2D के 3D ध्यान नहीं है, बट मैथ में ज्यादा थे। मैंने अच्छा, वहाँ पे आपके हॉल में बच्चे एब्सेंट दिखे? हाँ, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, मतलब 65 सीट थी जिसमें से सिर्फ 12 बच्चे आए हुए थे बस। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट कहीं दिया था? हाँ, PW से और रोजगार भी थंक से। अच्छा, वहाँ पे जितना क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाते थे टाइम मैनेज हो जाता था, यहाँ पे क्या लगा? हाँ, टाइम मैनेज हो जाता था। अच्छा, वहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते थे आप? वहाँ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे लगभग, कभी ज्यादा स्कोर हो जाते थे, कभी बहुत ही कम हो जाते थे। जी, आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट रहा। हाँ। अच्छा जी, मतलब जिसका पेपर है उनके लिए मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? उन सबको भी ऑल द बेस्ट। अच्छा, करके आए जी। उसका यादव, क्या नाम है आपका? शुभम त्रिपाठी। कहाँ से हैं आप लोग? सुल्तानपुर। आप कहाँ से? प्रयागराज से। कैसा गया आप लोग एग्जाम? बिल्कुल सही। कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? दो अटेम्प्ट। कितना? दो टोटल। मतलब कि कौन सा अटेम्प्ट किया है, मतलब 90 क्वेश्चन या फिर? अच्छा, क्वेश्चन 83 है। और दूसरी अटेम्प्ट आप करा, दूसरी बार दे रहे? दूसरी बार। आपने कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को? सर, हमने तो जो है सेकंड बार कर रहे हैं जी। और कितने क्वेश्चन आप किए? 87 किए। अच्छा, कौन सा थोड़ा सा आपको, कौन सा लेवल थोड़ा सा जी, कौन सा पोर्शन थोड़ा टफेस्ट लगा आपको? कोई सेशन? मेरे को रीजनिंग थोड़ा स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन काफी टफ लगे। रीजनिंग आपको टफ लगे? हाँ, बाकी और मैथ के 2-3 क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया था अगली बार से। आपको इजी क्या लगा? आपको इजी सबसे जीएस ही लगा। जीएस आपको लगा? अच्छा, जीएस में क्या क्वेश्चन आए थे आप लोग थोड़ा सा याद है कुछ बताएंगे? जैसे कि आपको पूछा गया था हिस्ट्री से वंश के बारे में पूछा गया था, और आर्टिकल्स पूछे गए थे, DPSP के संस मतलब उसके डेट्स पूछे गए थे, नीति निदेशक तत्व के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्या क्वेश्चन थे आप लोग बताएं? और क्वेश्चन कोई रिकॉल हो बताइए। और एंटोनिम्स का इंग्लिश में देखिए, एंटोनिम्स से 4 क्वेश्चन पूछा था, सीटिंग अरेंजमेंट का 4 क्वेश्चन लिया था, और अननोन एक वो पूछा, और ठीक ही था लगभग बराबर। हाँ, अच्छा बात कर ले, इसमें से ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन मिले? ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग तो 5-6 क्वेश्चन दिया था। हाँ। और डाइस से क्वेश्चन इसमें नहीं? कैलेंडर से भी नहीं पूछा था। नहीं, क्लॉक से भी नहीं, कैलेंडर से एक क्वेश्चन लिया था, क्लॉक से नहीं लिया था। मिरर वाले कोई देखने को मिला? मिरर 2 मिले थे। 2-3 क्वेश्चन मिरर वाले देखने को मिला। और कथन निष्कर्ष वाले? कंक्लूजन का एक एक क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष से। हाँ। और कुछ क्वेश्चन मतलब जैसे सीरीज वाले भी क्वेश्चन देखने को मिला? रीजनिंग नहीं, नहीं नहीं सीरीज वाले नहीं मिला। अच्छा, मैथ में वो रीजनिंग में देखने को मिला था काउंटिंग ऑफ फिगर के। अच्छा, हाँ, कितने आए थे, कितने त्रिभुज हैं, कितने वाला आया था? काउंटिंग फिगर वाले आए थे। अच्छा, कोई मैथ में नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन देखने को मिला? नंबर सिस्टम से मार्क्स चलिए तभी 5-6 थे। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन से? सिंप्लीफिकेशन 2 दो क्वेश्चन थे। और लकीला समाज से? एलसीएम से? नहीं, एलसीएम से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन थे एवरेज से? एवरेज से था, परसेंटेज से था, DISI से क्वेश्चन थे। CISI से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? एक से दो क्वेश्चन मिले। ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन मिला? ट्रिग्नोमेट्री के 2
दो क्वेश्चन थे और ग्राफ वाले भी क्वेश्चन देखने को मिला। ग्राफ का, हाँ ग्राफ का एक मिला था, ग्राफ का दो मिले थे लगभग, हाँ एक दो दो क्वेश्चन। अच्छा लेवल आपका क्या बोल सकते हो ओवरऑल पेपर का? फिलहाल पहले जैसा था, पहले जैसा था। अच्छा बच्चे हॉल में क्या एब्सेंटी दिखे, कैसे क्या चीज़? बहुत ही ज़्यादा, मेरे में बस चार ही, पूरे हॉल में चार ही लोग पेपर दिए। अच्छा कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अंदर माउस की बोर्ड में ऐसा कोई दिक्कत मिला? नहीं नहीं, ऐसे सिस्टम बिल्कुल सही था, सर्वर बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। प्रॉब्लम सही है। अच्छा जिसका मतलब अभी एग्जाम है बाकी जो देने के लिए अभी नेक्स्ट फेज में आएंगे अगले दिन के लिए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? करेंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स ज़्यादा लें, ध्यान दें, मतलब इकोनॉमिक्स पोर्सन और ज़्यादा कुछ कर, मतलब ये 2022 का जितने करंट अफेयर थे सभी को टच करना पड़ेगा। आपने मॉक टेस्ट कहीं दिया था? बिल्कुल नहीं, मॉक टेस्ट नहीं दिया था। फिर टाइम कैसे आपने मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट अनुभव अनुभव रहा। दूसरा अटेम्प्ट रहा था आपको कुछ अनुभव रहा? आपने कहीं से मॉक टेस्ट दिए थे आप? मैंने करियर विल पे दिया था, करियर विल मॉक टेस्ट दिए थे। अच्छा वहाँ के लिए टाइम सफिशिएंट पड़ जाता था या आप कम का पड़ जाता? देखिए टाइम वगैरह का तो बहुत वो रहता है, बहुत इश्यू रहता है टाइम, बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी सही था, क्वेश्चन वगैरह सही थे, रीजनिंग तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, रीजनिंग बहुत ईजी था, जिसमें से 22 हमने किया है। बिल्कुल सिस्टम, माउस वाउस हिल रहा था उनका, सर दो बार बोले कैसे कर रहे हो? अच्छा क्या सिस्टम सही नहीं था क्या? सिस्टम उसको ऐसे ऐसे दबाना पड़ता था, इसे ऐसे कर लिया। आपने कितना अटेम्प्ट किया? पूरा सर 100 100। अच्छा सीजीएल का प्री, अब इसका प्री सीजीएसएल वाला क्या लगा, कौन सा टफ लगा? ये वाला थोड़ा टफ लगा, ये टफ है। एसएससी वाले फांसी नहीं लगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। एसएससी वाले फांसी नहीं, नीट और आईआईटी वाले, यूपीएससी वाले लगाते, एसएससी वाले नहीं लगाते। क्या बच्चे हॉल में? आप सोचे आप सिविल लाइन और जाएंगे संगम घूमने तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। देख सकते हैं मतलब कि हार्ड नहीं रहा, इजी टू मॉडरेट रहा। और जो करंट अफेयर आ रही, देखिए अब 2023 की पूछी जा रही है, लेकिन अब देखिए 2023 की पूछी जा रही थी, लेकिन अब क्या है 2022 के भी देने लगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आप लोग करंट मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी थोड़ा सा आप लोग मैथ जीके स्टैटिक्स का क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टैटिक्स थोड़ा सा आप लोग देख के आइएगा, बाकी कोई हड़बड़ाने कोई बात नहीं, अच्छा एग्जाम जाएगा।